आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। सीमन एनालिसिस या स्पर्म का जब टेस्ट करते हैं तो कभी कभी रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि स्पर्म्स में वैक्यूल्स हैं। ये वैक्यूल्स होते क्या हैं और इसकी वजह से फर्टिलिटी पे क्या असर पड़ता है, ये देखते हैं। वैक्यूल स्पर्म पे छोटे फ्लूइड फिल्ड यानी कि फ्लूइड से भरे गड्ढे होते हैं या जैसे कि गुब्बारे होते हैं। ये स्पर्म के जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें देखा जाता है, स्पेशली हेड रीजन में यानी कि उसके सर में। और ये यूजुअली हाई पावर एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक जैसे हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ऑफ कोर्स आंखों से तो स्पर्म्स को देख नहीं सकते, मगर माइक्रोस्कोप में ये जो वैक्यूल्स होते हैं उसके लिए बहुत हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। जब वैक्यूल्स होते हैं तो कई सारे असर देखे गए स्टडीज के द्वारा, लेकिन जब स्टडी किए गए तो ये बहुत मैटर ऑफ इंटरेस्ट रहा है स्पेशली रिसर्च में कि इसके होते हुए क्या असर हो सकता है फर्टिलिटी पे। आइए देखते हैं कि वैक्यूल्स दिखते कैसे हैं और उनकी वजह से क्या असर हो सकता है। वैक्यूल्स छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, रेगुलरली शेप्ड हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं या टेर के जैसे, मतलब जैसे कि कुछ फट गया वैसे भी हो सकते हैं। स्पर्म के सर पे होते हैं यूजली और हाई मैग्निफिकेशन पे जैसे मैंने कहा तभी देख सकते हैं। होते क्यों हैं, इसका एग्जैक्ट कॉज रीजन अभी तक पता नहीं चल रहा है फुल्ली, लेकिन बहुत सारे थ्योरीज प्रपोज किए गए हैं, बहुत सारे फैक्टर्स देखे गए हैं। ऐसा माना जाता है कि जब स्पर्म डेवलप हो रहा होता है तो कभी कभी अगर मैच्योरेशन ठीक से नहीं हुआ है टेस्टिस में तो वैक्यूल्स डेवलप होते हैं। जेनेटिक कारणों की वजह से भी, जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज रहा या म्यूटेशन हुआ है जीन्स में तो भी वैक्यूल्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे टॉक्सिन्स हो गए, रेडिएशन हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से स्पर्म का जो डीएनए वो डैमेज हो सकता है और उसकी वजह से वैक्यूल्स हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि वैक्यूल्स के रहते फर्टिलिटी पे क्या असर होता है। ये देखा गया है बहुत सारे स्टडीज में कि वैक्यूल्स होने पर रिड्यूस्ड फर्टिलिटी होता है। जो स्पर्म्स वैक्यूल्स के साथ होते हैं उनका जब फर्टिलिटी आउटकम देखा तो देखा कि उनका फर्टिलिटी जो पोटेंशियल है, जो सक्सेस रेट है वो कम है। लेकिन डायरेक्ट रिलेशनशिप फर्टिलिटी का और वैक्यूल्स का अभी तक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू रहा है और इसको समझना अभी बाकी है। ये अवश्य है कि वैक्यूल्स का जो असर है फर्टिलिटी पे बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्धारित होता है, जैसे उसका साइज क्या है, कितने वैक्यूल्स हैं, वो कौन से लोकेशन में है, स्पर्म के हेड में है और हेड में भी किस तरफ है, ऊपर या नीचे। ये सारा कुछ स्टडीज में इंक्लूड किया गया है और देखा है कि जब लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, बहुत ज्यादा वैक्यूल्स होते हैं तो स्पर्म का क्वालिटी कम होता है, सक्सेस रेट कम होता है। जो एम्ब्रियोस तैयार होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, क्योंकि ये भी देखा गया है कि वैक्यूल्स के कारण स्पर्म के डीएनए में डैमेज होता है जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो तैयार हो रहा होता है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है। ये सब हम आईवीएफ द्वारा देख सके हैं। आईवीएफ में जब ऐसे क्वालिटी के स्पर्म्स एग्स के साथ छोड़े जाते हैं तो ये देखा गया है कि एम्ब्रियोस अच्छी क्वालिटी के नहीं आए हैं। तो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, पहले तो मैनेजमेंट देखते हैं। जब हम ऐसे स्पर्म्स देखते हैं और देखते हैं कि ये बहुत भारी मात्रा में है तो हम ये कहते हैं कि ICSI करवाइए। आईवीएफ में ये एक ये तरीका होता है जिसे हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। उसमें जो स्पर्म्स वैक्यूल्स के साथ नहीं होते हैं उन्हें माइक्रोस्कोप में रखकर सेलेक्ट किया जाता है और वैसे स्पर्म को ही अंडे में डाला जाता है ICSI प्रोसीजर द्वारा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डैमेज स्पर्म है, जो वैक्यूलेटेड स्पर्म्स है उन्हें हम अवॉइड करते हैं, अच्छे स्पर्म्स को ही लेकर एग में डाला जाता है और जो एम्ब्रियो रिजल्ट होता है अच्छे क्वालिटी का होता है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑप्शन जो लेबोरेटरी में मैनेज कैसे किया जाता है। अगला होता है एंटीऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट। तो जब आपको लगता है कि आपका एक्सपोजर टॉक्सिन से बहुत ज्यादा है या आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, डायबिटीज है, तो भी आप ये ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स आपको दिए जाएंगे जिससे स्पर्म का क्वालिटी बेटर होगा, स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो डीएनए का डैमेज है वो कम होने के कारण भी वैक्यूल कम हो सकते हैं, जिसके कारणवश आप नेचुरली भी ट्राई कर सकते हो अगर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, नहीं तो आप आईवीएफ द्वारा सक्सेस जरूर पा सकते हैं। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिपेंड करते हैं कि ये वैक्यूल्स कितने हैं, कहाँ हैं और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा है ट्रीटमेंट के दौरान। सो उसके मुताबिक हम ये डिसीजन लेते हैं। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं या आपके रिपोर्ट में वैक्यूलेटेड स्पर्म्स करके कहा गया है, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।